बहुत ज्यादा। पहली बार ऐसा मंदिर देखा भी नहीं। गाइस देख सकते हो ये हमारे राम लक्ष्मण और हनुमान का जब पुल बना रहे थे जब का सीन बना, कितना अच्छा लग रहा है सच में, लाजवाब है यार ये मंच, अलग ही सबसे अलग है। यहाँ पे देख लो कृष्ण और राधा का होली का कम है, सच में बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ पे, कुछ अलग ही सीन है। आप लोगों को बहुत बहुत मन गए हूँ, लेकिन ऐसा मंदिर शायद किसी ने देखा होगा, तो प्लीज यार जो वीडियो देख रहा हो वो यहाँ पर एक बार जरूर आए और देख सकता है, सच में बहुत ही लाजवाब सीन है यार। मानना पड़ेगा यार किसने बना, देख सकते हैं। इसमें आपको जो है अच्छा सा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। गाइस देख लो ये दिव्य भक्ति मंदिर कितना अच्छा और कितना सुहावना लग रहा है यार, सच में कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यार सच में कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो पे ये दृश्य देखने के बाद इतना आश्चर्यचकित हो रहा हूँ मैं, मैंने सच में यार लाइफ में कभी देखा ही नहीं था यार इतना अच्छा, अभी इतना अच्छा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा था आज। आप देख सकते हो पूरा जो मतलब कृष्ण लीला में जो हो रहा था उसका समथिंग कुछ पार्ट यहाँ पे बनाया गया है, जो हमारे कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है यार सच में, ये ऐसा लग रहा है शेषनाग रियल में है, और एक कृष्ण हमारे भगवान जो हैं वैसे लग सच में उनके साक्षात हमारे सामने खड़े हुए। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यार, मानना पड़ेगा आप यहाँ पे देख कितना अच्छा, ऐसा लग सच में हमारे सामने आँखों के सामने हो रहा है। गाइस देख लो आप कितना अच्छा लग रहा है सच में, मानना पड़ेगा कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया होगा सच में कह रहा हूँ, कुछ हमारे कारीगर पेंटर लोग वहाँ पे पेंटिंग वोटिंग कर रहे हैं, देख सकते हो आप कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। अभी अंदर जाएंगे जब आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, अंदर क्या क्या खास सच में यार मानना पड़ेगा ये मंदिर बहुत अच्छा ही होने, बहुत अच्छा यार मतलब बहुत अच्छा है। गाइस देख सकते हो ये यहाँ पे कृष्ण और राधा का खेलने उलने का क्या भी कुछ है देख लो सकते हो आप, समझ सकते हो, मुझे उतना कुछ खास पता नहीं है, लेकिन आप गाइस देख सकते हो कितना अच्छा बनाया गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना यार, तो मैं आपके लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने ऐसा मंदिर कहीं देखा है कि नहीं देखा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। जो नए लोग हैं यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। ऐसा मैं मंदिर की ओर चढ़ रहा हूँ यार, प्लीज़ आपको मंदिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना अच्छा मंदिर है यहाँ पर, कितना व्यू अच्छा आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है मंदिर, सच में ऐसा लग रहा है सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, जो हम लोग टीवी में देखते ना उससे कई गुना तो हम लोग को देखने में अच्छा लग रहा है सच में। तो गार्ड लोग बोल रहे हैं आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग यहीं तक वीडियो ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम दूसरे लोकेशन का आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। गाइस यार वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया है हमको फर्स्ट फ्लोर में, इसलिए हम लोग सेकंड फ्लोर में आ रहे हैं, वहाँ भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर सेल्फी फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ खास जगहों पर खींचना वीडियो बनाना मना है, तो यार प्लीज़ हम लोग को माफ़ करना है, हम अंदर का आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपको हम बाहर का नज़ारा दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यार। कितना अच्छा लग रहा है सीन देखिए, गाइस सुदामा जी हमारे घर से झांक रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है यार देख, ये माखन चोर आप देख सकते हैं, माखन चुरा के पकड़ता था, पकड़ गया था और मार खाया था,
गाइस आप देख सकते हो हमारे एक छोटे से कन्हैया के पास कितनी गोपियाँ थी और कितना मज़ा आ रहा हो यार। उन लोग अलग ही भीतर से कुछ अलग ही दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये परम पूजनीय माँ पद्मा हैं, हमको इनके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, आप लोग को मालूम रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना। गाइस अब दूसरे मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं तो वहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं। प्लीज़ हम देख तो जा रहे हैं यार। गाइस ये मंदिर सच में कितना अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है यार, देख सकते हो आप। अब यहाँ पे लोग कम आ रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस सोमवार के दिन आए ना, इसलिए लोग कम आ रहे हैं। शनि और संडे को बहुत भीड़ रहती है, अभी गर्मी का सीज़न भी चल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। यार ये मंदिर अभी बंद रहता है, ये 2 बजे के बाद ही खुलता है, तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं, फिर हम लोग को टाइम हो गया है, घर जाने का टाइम बहुत हो गया है, 11 बज गया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी। तो आप लोग कमेंट करना ये मंदिर आपको कैसा लगा, ताकि हम लोग भी फिर से आए और एक अच्छा सा वीडियो बना पाए। क्योंकि अभी जल्दी जल्दी में वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे ये गार्डन में अभी लॉक लगा है, इसके अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग यहीं से देख सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे दिखाने की, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग यहीं से कुछ देख सकते हैं कैसा सीन आ रहा है। गाइस धूप बहुत हो गई है और हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं, तो बहुत घूम लिया यार मंदिर, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए हमने सोचा आप क्यों ना हम वापस चले जाएँ, तो फिर आँखों में धूप बहुत लग रही है, इसलिए हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं वापस। तो गाइस हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि दोस्तों वो हाइट वाला मंदिर खुलेगा 2 बजे तक, 2 बजे तक तो हम वेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिटर्न जा रहे हैं, फिर कभी आएँगे, देखो कब टाइम मिलता है, कब मौका मिलता है, फिर हम फिर एक वीडियो अच्छा खासा बनाएंगे। लेकिन इस बार नहीं हो पाया हम लोग से, क्योंकि हम लोग अभी नर्वस हैं, फिर भी इतना बहुत कुछ हम लोग कर लिए हैं। गाइस हम लोग बाहर पहुंचाए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत हो गया, धूप बहुत है यार, गर्मी बहुत है धूप तो बहुत है, इसलिए हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं यार। भूख भी लग रही है, जा रहे हैं बाहर कुछ ना कुछ खाएंगे यार, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो गाइस अब हम आ गए हैं बाहर और हम जा रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और वहीं जा रहे हैं। बहुत धूप हो गई यार, वीडियो बनाने का मन ही नहीं हो रहा, फिर भी जा रहे हैं। तो यार मंदिर बहुत अच्छा लगा यार, उसमें रह रहा हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो एक लाइक जरूर कर देना यार।